वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पी ब्लॉक की रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ. थोड़ा सा यस नहीं बोलूँगा, ओमिक्रॉन हो गया, लेकिन यस वायरल हुआ हुआ है और हेडेक है, फीवर है. लेकिन जैसे मुझे बीच में टाइम मिल रहा है, थोड़ी मेरी तबीयत बेटर हुई है, सो आई हैव डिसाइडेड कि कम से कम एग्जाम्पलर में रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप पढ़ते रहो और जब हम लोग कंटिन्यू करें क्लासेस तो हम आगे बढ़े, रादर देन हम पीछे का टास्क पूरा करते रहें. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पी ब्लॉक में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सिलेबस रिलेटेड था, तो उनको मैंने सर्कल कर दी है. जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना और अपनी एंट्रेंस की क्लासेस में आप इनके बारे में पूछ सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं होता. तो पहला आ रहा है, द एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज, आंसर है गैलियम. आपको याद है ये मेरे पैकेज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम है, इसीलिए, और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि इट इज यूज इन मेकिंग थर्मामीटर. जैसे थर्मामीटर में आप मरकरी डालते हो, वहां पे गैलियम डाल सकते हैं. और जानकारी के लिए नोट्स पढ़े, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन पैकेज में भी दिया गया है. इनमें से कौन एक लुईस एसिड है? आपको पता है लुईस एसिड कौन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और आपको पता है ये इस ग्रुप के, इस परिवार के लोग तो सबसे ज्यादा मशहूर है एज ए छक्के, तो इनमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, एक्सेप्ट एन के अंदर. सो छह इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यू कॉल देम लुईस एसिड. The geometry of the complex species can be understood from the knowledge of the type of hybridization. The hybridization in B OH4 minuses. तो आपको पता है जो बोरॉन होता है वो 2s2 2p1 है, और एक्साइटेशन कराने के बाद इसमें एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा. सबसे पहले OH आएगा, और OH अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा BOH3. अब अगर आपको BOH4 माइनस बनाना है, इसका मतलब ये है, ये कंपाउंड कैसे बनता है, ये BOH3 में हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है. इसका मतलब एक हाइड्रोक्साइड और आएगा, और वो हाइड्रोक्साइड अपने साथ लोन पेयर लेकर आएगा. वो लोन पेयर ये जो पी ऑर्बिटल खाली रह गया था बोरॉन का, उसके साथ शेयर हो जाएगा, जिसका मतलब कुल मिला के अब चार ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, एक एस और तीन पी. तो sp3 इज द हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? तो आपको पता है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप आने पे ऑक्साइड बिकम मोर बेसिक. तो सबसे ज्यादा एसिडिक होने का चांस किसका होगा? बोरोन के ऑक्साइड का होगा. द एग्जीबिशन ऑफ हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट लाइकली टू फॉर्म. आपको पता है कौन छह बॉन्ड नहीं बना सकता? आपको पता है बोरोन छह बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. पेट क्वेश्चन है, कहीं बार करा हुआ आपने, पैकेज में दिया हुआ. तो ये क्वेश्चन जो मैंने सर्कल किया हुआ है ब्लू पेन से, ऑब्वियसली ये डिलीटेड सिलेबस से है, तो वी वोंट टॉक अबाउट देम. क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, कैटेनेशन एबिलिटी. कैटेनेशन के बारे में मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दी थी कि कैटेनेशन बेसिकली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड. जिसका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसमें कैटेनेशन ज्यादा होगा. डाउन द ग्रुप जाने पे कैटेनेशन एबिलिटी कम होती चली जाती है. और जो करेक्ट ऑर्डर है वो बी है. इसका मतलब है कार्बन की कैटेनेशन सिलिकॉन से बहुत ज्यादा है, और जर्मेनियम और टिन की लगभग सेम है. सो थोड़ा सा ऑर्डर केयरफुल होने वाली बात है, क्योंकि ऑर्डर तो ये भी वही सही बैठ रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन. लेकिन जो डिफरेंस है कार्बन सिलिकॉन में, आपको पता है कार्बन तो नंबर वन है, तो जर्मेनियम और टिन में दोनों में कोई खास कैटिनेशन नहीं है. सो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको थोड़ा और विचार करना चाहिए, नजर रखनी चाहिए इस पर कि गलती हो सकती है. देन वी हैव
नाइन्थ क्वेश्चन आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी समथिंग, क्योंकि जेएसआर में इसका टेस्ट भी हो चुका है तो आपको पता है वहां भी हमने क्वेश्चन दिए हैं आपको, यानी यहाँ भी एनसीईआरटी खोली हुई है रेफरेंस के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी केयरफुल। एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है और आप देख सकते हो जो डाटा है आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो आपको पता है ह्यूज एक्सेप्शन से भरी हुई है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है ग्रुप 13 के अलावा जिसमें इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है और फिर थैलियम की भी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो ये अति हुआ पड़ा है इस ग्रुप में, ये ग्रुप अति वाला परिवार है एक्चुअली। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ। Just give me one second. चलो ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो डी दिया हुआ है, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, बट गैलियम की भी एल्यूमिनियम से ज्यादा है और थैलियम की तो इन सबसे ही ज्यादा है, इन तीनों से ज्यादा थैलियम लेके बैठा हुआ है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल ऑर्डर, प्लीज बी फोकस्ड। 13 क्वेश्चन आ रहा है, द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो ये क्वेश्चन भी पैकेज में कवर्ड है कि जो टिन है उसमें इनर्ट पर इफेक्ट नहीं है। SnCl2 में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और टिन इसमें खुश नहीं है क्योंकि टिन में इनर्ट पर इफेक्ट थोड़ी है। टिन चाहता है ऐसे कैसे वैसे मैं +4 में कन्वर्ट हो जाऊं, और ऐसा हुआ तो खुद की ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। SnCl2 बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि SnCl2 में टिन +2 स्टेट में है और वो टिन चाहेगा कि मैं +4 में कन्वर्ट हो जाऊं, ऐसा हुआ तो खुद की ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। लीनियर शेप ऑफ CO2 इज ड्यू टू, तो CO2 अगर आप देखो तो CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है और आपको पता है इसके अंदर पाई बॉन्ड भी बनते हैं, पी पाई बॉन्ड है, तो CO2 की शेप लीनियर क्यों है? एक तो ये sp हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा इसमें पी पाई बॉन्ड है क्योंकि आपको पता है कार्बन अगर 2 पाई बनाता है, ये भी बात तो आपको पता ही है ना, कार्बन अगर 2 पाई बनाए तो वो sp होता है और sp लीनियर शेप हो जाती है, सो दोनों बातें सही बैठती है इसके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फुलरीन हैव डैंगलिंग बॉन्ड, ये बात गलत है। इनफैक्ट हमने कहा था कि फुलरीन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें कोई डैंगलिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है। मैंने ये वर्ड आपको सिखाया हुआ है, प्लीज रिवाइज माई वीडियोज, कि कोई भी ज्योमेट्री चाहे वो डायमंड है चाहे वो ग्रेफाइट है, जब वो खत्म होती है, जहां उसकी शेप खत्म होती है, वहां पे जो कार्बन होती है उसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं होते, बाकी सभी जगह कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन जहां भी उसका स्ट्रक्चर खत्म होता है वहां पे कार्बन की वैलेंसी डिससेटिस्फाइड रहती है, इसे डैंगलिंग ऑफ बॉन्ड कहते हैं। और हमने ये बात बताई थी कि फुलरीन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, देखो यहाँ लिखा हुआ है और मेरे पैकेज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि फुलरीन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि फुलरीन के अंदर कोई डैंगलिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, फुलरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म कंपाउंड बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। इस पे मैंने काफी जोर देके भी पढ़ाया था तो होपफुली आपको पता होगा ये। फुलरीन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, ये बात सच है, तो ये फॉल्स हो गया, सॉरी, इसमें कोई डैंगलिंग ऑफ बॉन्ड नहीं है। और फुलरीन का केज लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है, आपको पता है इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से खाली है। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप, ये बात सच है, मैंने आपसे कहा था हम थर्मोडायनेमिक में इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड, नो इट इज नॉट हार्ड, देयरफॉर यूज इन लुब्रिकेंट, तो ये फॉल्स हो गया, इट इज नॉट हार्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट रेजोनेंस ऑफ CO2, देखो ये CO2 है, ठीक है, अब इसमें गेम क्या होता है, इसमें गेम यहां से शुरू होता है कि ये लोन पेयर
बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो आपको ये आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये लोन पेयर यहाँ पे आया, अब ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड थे, अगर ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। एट द सेम टाइम अगर इसी को मैं स्टार्टिंग स्ट्रक्चर मानूं तो ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। तो ये दो एक जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड अभी यहाँ पे है और अगली बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ। सो बी और डी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बी और डी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी स्ट्रक्चर गलत है। सही मायने में बताऊं तो इसके 3 बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1, 2 और 3। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 अमोनिया AlCl3 डाइमर। तो BCl3 आपको पता है एक लुईस एसिड है, इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है और अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर लेकर आएगा, बोरोन का पूरा करेगा। और आपको पता है AlCl3 भी डाइमर फॉर्म करता है क्योंकि ये जो क्लोरीन का लोन पेयर होता है वो दूसरे एल्युमिनियम के साथ शेयर हो जाता है, ऐसे ही इस क्लोरीन का लोन पेयर इसके साथ शेयर हो जाएगा। सो दोनों ही स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आसान है। इनमें से कौन विल बिहेव लाइक ए लुईस एसिड, तो BCl3 जो है ये 100% बिहेव करने वाला है एज ए लुईस एसिड, और BCl3 डाइमर भी फॉर्म नहीं करता, इसका मतलब ये इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। सो ये तो हर हाल में इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए लुईस एसिड। AlCl3 को लेके हम ये कह सकते हैं कि AlCl3 डाइमर बनाता है, सो इसका जो ऑक्टेट है वो एक्चुअली पूरा हो जाएगा, बिकॉज जब ये डाइमर फॉर्म करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख है वो बेसिकली खत्म हो जाएगी लाइक दिस। कहा इसको भी लुईस एसिड जाता है, दोनों के दोनों लुईस एसिड है, लेकिन बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि AlCl3 जब डाइमर फॉर्म कर लेगा तो वो स्टेबिलिटी पा लेगा। तो जब तक डाइमर नहीं बनाया हुआ तब तक वो लुईस एसिड है, वंस इट फॉर्म डाइमर तो फिर ये गरीब नहीं रहेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगला आ रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, CCl4 इज इमिसिबल इन वॉटर वेयर एज SiCl4 इजिली हाइड्रोलाइज। मैंने आपको हाइड्रोलिसिस का नियम दिया था, मैंने आपको समझाया था अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करना चाहते हो तो पहले पानी को अपने साथ जोड़ो, पानी एक लोन पेयर लेकर आएगा और वो लोन पेयर आपको अपने पास रखना होगा। कार्बन की प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 4 या उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, एंड दैट इज ए प्रॉब्लम। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 से ऊपर बॉन्ड नहीं बना सकता, जिस कारण से वो ये लोन पेयर ले नहीं पाएगा। सिलिकन को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिलिकन के पास 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, पानी लोन पेयर लेकर आएगा, सिलिकन के साथ रखेगा, पैकेज में क्वेश्चन कराया हुआ है, यू कैन सी रिएक्शन विल स्टार्ट। अगला आ रहा है कार्बन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन एक ही चीज पे डिपेंड करता है, बार बार लगातार कैटिनेशन डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सिलिकन सिलिकन सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए कार्बन कैटिनेशन ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू सिलिकन। अगला आ रहा है CO2 गैस है लेकिन SiO2 सॉलिड है। CO2 इसलिए गैस है क्योंकि जब CO2 के मॉलिक्यूल आमने सामने आए तो इन्होंने आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाया, एक तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, दूसरा कार्बन को पाई बॉन्ड बनाने बहुत पसंद है क्योंकि कार्बन का साइज छोटा था, कार्बन पी पाई बॉन्ड बना सकता था, तो कार्बन की वैलेंसी अपनी इस प्रकार से उन्होंने पूरी करी। अब जब 2 CO2 आमने सामने आते हैं तो बॉन्ड तो बन नहीं पाता, यहाँ पे बनता है वैन डेर वाल्स विच इज ए वेरी वीक फोर्स, इसीलिए ये गैस की फॉर्म में रहता है। लेकिन सिलिकन डाइऑक्साइड के साथ क्या हुआ, अब सिलिकन का साइज बड़ा है तो सिलिकन को पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत है, तो जब 2 SiO2 के मॉलिक्यूल आमने सामने आते हैं तो ये बेसिकली आपस में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड।
तो आप देखो जहां पे दो सीओ टू के बीच में वंडरवॉल है वहीं पे दो एस आई ओ टू के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिस कारण से एस आई ओ टू का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। सिलिकॉन फॉर्म एस आई एफ सिक्स टू माइनस आयन, वेयर एज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लोरो कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नॉट नोन। इस कंपाउंड में ध्यान से देखो सिलिकॉन छह बॉन्ड बना रहा है, और आपको ये बात तो पता ही है कि कार्बन छह बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो घूम फिर के बात वही आ जाएगी डी ऑर्बिटल पे कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म सिक्स बॉन्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमें कार्बन के लिए देखने को नहीं मिले। प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एंड प्लस टू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रुप 14 आर मोर स्टेबल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपको पता ही है जी ड्यू टू इनर्ट पेन इफेक्ट। इसकी वजह है इनर्ट पेन इफेक्ट। आपको पता है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम फिन लेड, लेड प्लस टू दिखाना पसंद करता है प्लस फोर के मुकाबले, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। आपको पता है जो थैलियम है वो प्लस वन दिखाना पसंद करता है प्लस थ्री के मुकाबले, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस शब्द की कीमत है जी, ये शब्द लिख के आना है आपको सब्जेक्टिव पेपर में। कार्बन सिलिकॉन बोथ बिलोंग टू ग्रुप 14 बट डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ स्टोशियोमेट्रिक सिमिलैरिटी ऑफ ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिफर इन द स्ट्रक्चर। देखो एक्चुअली क्या है ना, साउंड सेम आती है सीओ टू एस आई ओ टू, तो सुनने वाले को क्या लगता है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अब वो कैसे सेम हो सकता है ना, आपको पता है कि ये तो बन नहीं सकता क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होने के कारण पैकेज पढ़ो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जहां पे सीओ टू का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मतलब अकेला, मतलब दो सीओ टू आपस में कनेक्टेड नहीं मिलते, वहीं पे एस आई ओ टू का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है क्योंकि सिलिकॉन को भी चार बॉन्ड बनाने हैं अट्ठा पूरा करने के लिए, लेकिन सिलिकॉन वो चारों सिग्मा बॉन्ड बनाना पसंद कर रहा है, जिससे क्या होगा एक एस आई ओ टू दूसरे एस आई ओ टू से कनेक्ट होती चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यही कारण है कि जहां पे सीओ टू गैस है इसका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं क्या सीओ टू का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अकेली रहती है, वहीं पे एस आई ओ टू का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है झुंड में रहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल चिपके हुए रहते हैं। व्हेन बीसीएल थ्री इज ट्रीटेड विद वाटर इट हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म बी ओ एच फोर, वेयर एज AlCl3 इज एसिडिफाइड सोल्यूशन एयर H2O6 आयन, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम इन दीज स्पीसीज। देखो ये जो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन है ये तो अति मुश्किल है जी आज आपको बताना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस की दुनिया है। मैं बार बार आपको ये डिफेंड करता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्सेस की जो दुनिया है उनको यहाँ एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। ये ठीक है कि एल्युमिनियम के केस में कहानी बना के मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन जो रियल ज्ञान है वो तो आपको 12th में मिलेगा। फिर भी इसने हमसे सिर्फ पूछा हुआ है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो बी ओ एच फोर माइनस मैं पीछे करा चुका हूँ अभी, उसमें आपने देखा था बोरोन जब भी कभी चार बॉन्ड बनाएगा आंख बंद करके बेधड़क sp3। मैं आपको ऐसे रट्टा और दे सकता हूँ, एल्युमिनियम ने जीवन में जब भी कभी छह बॉन्ड बनाए, मेरी बात को बिल्कुल पकड़ लेना, एल्युमिनियम ने जीवन में जब भी कभी छह बॉन्ड बनाए हैं हमेशा sp3d2 ही रहा है। सो मैं अगर आपको कुछ ना भी सिखाऊं तब भी आप इसको पकड़ सकते हो, बोरोन ने कभी चार बॉन्ड बनाए हैं तो sp3 है, एल्युमिनियम ने जब भी छह बनाए हैं तो sp3d2 है। जहां तक इसकी बात करूं तो आपको ये एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पे एल्युमिनियम का चार्ज निकाला जाए तो एल्युमिनियम का जो चार्ज है वो +3 आ रहा है, Al+3 का स्ट्रक्चर पता है आपको 1s2 2s2 2p6। अच्छा 3s खाली है 3p खाली है 3d खाली है, 3s में कोई नहीं बैठा 3p में कोई नहीं बैठा 3d में कोई नहीं बैठा हुआ, सब खाली है। अच्छा अब हो कह रहा है यहाँ पे छह पानी आ रहे हैं, पानी अपने साथ लोन पे लेकर आ रही है, 12th के केसेस हैं, डरना नहीं है, सीख सकते हो तो सीख लो, ज्ञान बट रहा है बरस रहा है। ये पानी आ रहे हैं, पानी के छह मॉलिक्यूल आ रहे हैं अपने साथ लोन पे लेकर आ रहे हैं, ये अपने साथ लोन पे लेकर आ रहे हैं और ये लोन पेयर शेयर किए जा रहे हैं।
यहाँ पे देखो, तो एक एस तीन पी और दो डी, एस पी थ्री डी पी। कहानी लंबी है लेकिन क्वेश्चन प्यारा है। एल्युमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली एंड डज शो एम्फोटेरिक करेक्टर। ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा करने पे, या एनएवएच में डाल दो। कह रहा ऐसे करने पे, ऑन ब्रिंगिंग द मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ए पॉप साउंड इज इंडिकेट द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये आप एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे भी देख सकते हो। उसमें क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें आप एनएवएच डाल दो, उसमें आप एल्यूमिनियम का पीस डाल दो, तो आप क्या देखोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका होता है कि एक मैचस्टिक इसके पास रख दो, जलेबी, आप देखोगे कि एक पॉपअप पट पट की साउंड आएगी एक्चुअली, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है वो कम्बशन करती है और पॉपअप साउंड कहते हैं उसको। हाइड्रोजन गैस के साथ ये वर्ड जुड़ता है, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस, जैसे पॉप पॉपकॉर्न बनता है, पट 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 की आवाज आती है। बट द क्वेश्चन से द सेम एक्टिविटी व्हेन परफॉर्म विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। वो कह रहा है अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड दिया हो, उसमें अगर आपने एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाला हो, और फिर आप अगर आप एक जलती हुई माचिस आगे लेके जाओ तो कोई साउंड नहीं आती। क्या वजह है उसकी? क्योंकि कॉन्ग नाइट्रिक के साथ तो आपको पता है एल्यूमिनियम रिएक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पे Al2O3 की जो लेयर, ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। आपको बताया गया था नाइट्रिक एसिड इज द ओनली एसिड जो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के सरफेस पे Al2O3 की लेयर फॉर्म करवा देता है, विच इज ए इनर्ट लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड Al2O3। तो एल्यूमिनियम और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता ही नहीं है, जिस कारण से हाइड्रोजन गैस बनती नहीं, और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी तो पॉपअप साउंड नहीं है। 33 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मल्टीपल पार्ट है। गैलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। इसका जो पंच वर्ड था वो था पुअर शील्डिंग। सारे क्वेश्चन कराए हुए, चिल मारो। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D। मुझसे कोई भी सवाल पूछने से पहले एक बार मेरे नोट्स पढ़ लेना। तो आपको पता है गैलियम के अंदर 3D का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। गैलियम में ताजा ताजा नया नया 3D ऑर्बिटल भरा गया, और आपको पता है 3D ऑर्बिटल ढंग से शील्ड नहीं करता, जिस कारण से गैलियम के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे जितनी अट्रैक्शन पड़नी चाहिए उससे ज्यादा पड़ती है, और यही कारण है कि इसकी आयनेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। बोरॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज B+3 आयन। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी IE1, IE2 और IE3, क्योंकि आपको अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको पता है 3 आयनेशन एनर्जी लगेगी, इज वेरी वेरी हाई। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करना नॉन स्पॉन्टेनियस है। बोरॉन कभी भी B+3 आयन फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं कर पाता। एल्युमिनियम फॉर्म AlF6, बोरोन नहीं बनाता, क्योंकि बोरोन के पास डी ऑर्बिटल की सेवा उपलब्ध नहीं है। एक बार, 10 बार, 1000 बार बोरोन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाए। PbX2 मोर स्टेबल है देन PbX4, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड की +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4। Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये है कि Pb+4 अनस्टेबल है, और वो क्या कोशिश करेगा कि मैं +2 में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा हुआ तो खुद की रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टिन +2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि टिन में इनर्ट पर इफेक्ट नहीं है। टिन क्या कोशिश करेगा कि मैं +4 में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा हुआ तो खुद की ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ द ब्लू एनसीईआरटी की गूगली। तो आपने ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो फ्लोरीन का जो स्मॉल साइज है वही उसके लिए नुकसानदायक चीज हो गई है, जिस कारण से आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करता है। तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। वैसे क्वेश्चन आपने करा हुआ, इस चैप्टर का नहीं है। सेवन पार्ट आ रहा है इसके अंदर कि थैलियम थैलियम नाइट्रेट में आप ध्यान से देखो, थैलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और आपको पता है थैलियम +3 तो अनस्टेबल होता है।
इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम की +3 +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। ऐसा हुआ तो खुद की रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और लेड लेड सिंगल बॉन्ड बहुत वीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कैटिनेशन की एक ही कंडीशन है कि आपका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेड का सिग्मा बॉन्ड वीक है तो कैटिनेशन पॉसिबल नहीं। वाई डज द BF3 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करता? BF3 हाइड्रोलाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आप पानी के साथ रिएक्ट करना चाहते हो तो पानी को अपने साथ जोड़ो, उसके लिए आपके पास है BF3 हाइड्रोलाइज नहीं करता। एक मिनट रुको यार। ये गलत दिया हुआ जी, आई एम रियली सॉरी। BF3 हाइड्रोलाइज करता क्योंकि इसके पास तो खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ, तो उन्हें प्रॉब्लम ही ना है इसमें। तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे CCl4 होना चाहिए था, BF3 हाइड्रोलाइज करता। BF3 हाइड्रोलाइज क्योंकि इसके पास पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है बोरोन के पास, तो ये ऑक्सीजन लोन पे लेकर आएगा और बोरोन के साथ शेयर कर देगा जिससे हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज डिस्प्यूटेड, दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई डज एलिमेंटल सिलिकॉन नॉट फॉर्म ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर? मेरे पैकेज में कवर्ड है। ग्रेफाइट जैसा बनना चाहते हो तो पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब देखो कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में पी पाई बॉन्ड है। अगर सिलिकॉन को भी ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर बनाना है तो सिलिकॉन को भी पाई बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। सिलिकॉन को भी पाई बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। सिलिकॉन ये कर नहीं पाएगा क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन का साइज बड़ा है, पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सारे क्वेश्चन पैकेज में करवाए हुए हैं, इनको एक बार दोबारा गो थ्रू करो। मेरे हिसाब से BF3 वाला क्वेश्चन गलत है, फिर भी और चेक कर लूंगा मैं भी। अभी का ज्ञान तो मेरा ये कहता है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, बिकॉज आपको पता है बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है BF3 के अंदर, और हाइड्रोलिसिस के लिए खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है। डी के लिए कोई माँ कसम नहीं खाएगी। जो क्वेश्चनों पे सर्कल लगा हुआ है वो क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिलेबस से डिलीटेड हैं, तो चिल करो। मैच द फॉलोइंग आ रहा है, एक दो मैच द फॉलोइंग अलग हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस डिलीटेड के भी क्वेश्चन मिक्स है, बट कोई बात नहीं। तो पहला आ रहा है BF4-, BF4- की टेट्राहेड्रल शेप है, ये देखो बोरॉन ग्रुप 13, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 में 1 मोनोवैलेंट, माइनस का मतलब एक ऐड हो गया, एच की वैल्यू 4, 4 का मतलब sp3 का ढांचा, टेट्राहेड्रल। AlCl3 एक लुईस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। SNO, SNO कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज, क्यों? आप अपने आप से सवाल पूछो। SNO में टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या टिन खुश है? क्या जो जीवन में पाली है उससे खुश हो? टिन कहता है नहीं, अभी आगे बढ़ना है, +4 बनाना है, जो मेरी स्टेबल स्टेट है, अभी मुझे आगे जाना है। इसका मतलब SNO क्या कोशिश करेगा कि मैं SNO2 में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा हुआ तो खुद की ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज। PbO2, नाउ फोकस करो, PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, खुश है क्या? नहीं, वो चाहता है कि मैं +2 में कन्वर्ट हो जाऊं। ऐसा हुआ तो खुद की रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज +4, ये बात सच है, ये सही हो गया। इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि आपको पता है ये अपने आप को रिड्यूस कर देना चाहता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। डाइबोरेन B2H6 को कहते हैं, आपको इसके बारे में नहीं पता, बोरेक्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना, एल्युमिनो सिलिकेट के बारे में आपको नहीं पढ़ना, क्वार्ट्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना, तो सिर्फ गैलियम के बारे में बात कर लेते हैं। गैलियम का लो बॉइलिंग पॉइंट है एंड यूजफुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, मैंने ऑलरेडी समझा दिया और पैकेज में कवर्ड है। हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ये आज आपने देखा हमने काफी कर लिया। तो जो BOH4- है, इसमें बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, 4 बॉन्ड बना रहा है। जो AlH2O6 है,
इसमें एल्युमिनियम 6 बॉन्ड बना रहा है और ये sp3d2 है। डाइबोरेन देखो हमने करा नहीं है, ये सिलेबस से कट चुका है, जो बच्चे जेई के उनको पता है इसमें ये sp3 है। बकी बॉल में आपको पता है कार्बन sp2 होती है। SiO4 4- के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे ज्ञान से काम कर सकते हो। सिलिकॉन ग्रुप 14 मेहमान आया लेकिन मोनोवेलेंट नहीं है, -4 का मतलब 4 ऐड हो गए, H की वैल्यू 4, 4 का मतलब sp3। और ऐसे ही आप जर्मेनियम वाले कंपाउंड की भी हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। जर्मेनियम ग्रुप 14 6 मेहमान मोनोवेलेंट प्लस 2 और आ गए, 6 हो गया, 6 का मतलब हो गया sp3d2। देखो बात वही है, ये जब भी कभी एल्युमिनियम या जर्मेनियम कोई भी 6 बॉन्ड बनाएगा ना तो वो sp3d2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो एक्सेप्ट डाइबोरेन। ये डाइबोरेन हमने आपको नहीं सिखाया है, अभी रट्टा मारना चाहो तो सीख लो, बाकी जो बच्चे जेई नीट के उनको करा दिया। डिस्क्राइब द जनरल ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एटॉमिक साइज आपको पता है डाउन द ग्रुप आने पे बढ़ता है, लेकिन फ्यू एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जैसे आपको पता है गैलियम का साइज काफी छोटा है, उसकी वजह है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। हमारे पैकेज में भी क्वेश्चन कवर्ड है। बेसिकली गैलियम की दिक्कत क्या है कि गैलियम 1s2 2s2 2p6 शेल वाइज लगाने के बाद 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 है, तो 3d10 जो अभी भरा गया है इसके अंदर वो दिक्कत का मेन कारण है। ये डी ऑर्बिटल शील्ड नहीं करता, जिससे बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ती है, और यही कारण है कि आयनेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको बताई है कि साइज छोटा हो जाएगा, आयनेशन एनर्जी आपको बताई है कि काफी गड़बड़, आपको पता है कि बोरोन की आयनेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है लेकिन एल्यूमिनियम की आयनेशन एनर्जी गैलियम से कम है। अच्छा गैलियम के बाद इंडियम आ गया उससे ज्यादा है, फिर थैलियम की इन सबसे ही ज्यादा है, तो इनमें गैलियम में जो दिक्कत आई है और जो इंडियम में दिक्कत आई है उसकी वजह आपको पता है दोनों ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट के मारे हैं। शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब हुआ हुआ है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन अंदर के शील्ड नहीं करते, बाहर के इलेक्ट्रॉन पे जितनी अट्रैक्शन पड़नी चाहिए उससे ज्यादा पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल हो जाएंगे। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसमें कोई सोचने का मैटर नहीं है। अपने परिवार में सबसे ज्यादा जो मेटालिक है वो डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, चाहे वो ग्रुप 14 हो चाहे वो ग्रुप 13 हो। लिखा हुआ है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम देन डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है वो शील्डिंग खराब हो जाती है ड्यू टू स्मॉलर साइज। ग्रुप 14 इज लेस मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ग्रेजुअली कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। सो ये मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है। ग्रुप 13 में जो ये ट्रेंड है ये डिस्टर्ब लग रहा है, एक बार मैं यहां से चेक करना चाहूंगा, मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करूंगा एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी आपकी लाइफ लाइन है, जब भी मन में कोई शंका आती है यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, पहले एनसीईआरटी में अपना दिमाग और मन लगाओ, खुद से जब जवाब इस सवालों के जवाब मिलते हैं तो कॉमनेस बढ़ता है, उसके बाद फिर गूगला लो, मान लो उसके बाद भी दिक्कत नहीं होती तो गूगला लो, गूगलाने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर मुझे संपर्क करो। डायरेक्ट करेक्टर कुछ दिख नहीं रहा, स्टार्टिंग में ना हो। Maybe I'm not able to pick it right now. तो एक बार आप तलाश ना, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मेटालिक है यहाँ पे, और उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर में गिरावट आ रही है, मे बी बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड ऑल दोस कहानी। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम देन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13, ये हमें वेरीफाई करना है। इन पर मैं भी ध्यान रखूंगा और पढ़ता हूँ, तुम भी देखना कि ऐसा है क्या।
ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आपको पता है कि बात समझने वाली है कि जो आपका ग्रुप 13 के लोग हैं उनकी उनमें प्लस 3 स्टेट स्टेबल है, लेकिन जो लास्ट मेंबर है थैलियम उसकी प्लस 1 स्टेट स्टेबल है। ऐसे ग्रुप 14 में सभी की प्लस 4 स्टेट स्टेबल है, लेकिन लड़की प्लस 2 स्टेट स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेरिफेक्ट। नेचर ऑफ हैलाइड में लिखा हुआ है ग्रुप 13 के एलिमेंट ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और AlCl3 फिर भी उतना गरीब नहीं है बिकॉज वो डाइमर फॉर्म कर लेता है। ग्रुप 14 के मेंबर दो प्रकार के हैलाइड फॉर्म करते हैं लाइक PbX2 एंड PbX4, आपको पता है SnCl2 SnCl4। तो इस प्रकार इस मेंबर दो प्रकार के डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं, टेट्रा हैलाइड फॉर्म करते हैं, और CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं करता क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सारे हैलाइड जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, AlCl3 लुईस एसिड है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, आसान क्वेश्चन है। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, येट BF3 इज ए वीकर लुईस एसिड। आपको पता है ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है और मेरे पैकेज में कवर्ड है। BF3 दिखने में गरीब लगता है, गरीब नहीं है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बोरोन के साथ शेयर हो जाता है। अब वो फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग बनाती है, बोरोन के पास एक खाली पी ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े होते हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े होते हैं और इस प्रकार ये आपस में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो बेसिकली इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। PbO2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन SnO2। PbO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर इटसेल्फ वेयर रिड्यूस, क्योंकि PbO2 चाहता है कि मैं प्लस टू में कन्वर्ट हो जाऊं, प्लस टू उसकी स्टेबल स्टेट है ड्यू टू इनर्ट पेरिफेक्ट, सो PbO2 रिड्यूस हो जाना चाहता है, प्लस टू में कन्वर्ट हो जाना चाहता है, खुद की रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन वी हैव प्लस वन स्टेट ऑफ थैलियम इज मोर स्टेबल देन प्लस थ्री स्टेट, इट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेरिफेक्ट। थ्री पेयर ऑफ कंपाउंड आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड इन विच द पेयर विच हैज ग्रुप 13 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन। तो ए TlCl3 और TlCl में से TlCl ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेरिफेक्ट, AlCl3 AlCl में AlCl3 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एल्यूमिनियम में तो इनर्ट पेरिफेक्ट नहीं है। InCl3 और InCl में InCl3 स्टेबल है क्योंकि In में तो कोई इनर्ट पेरिफेक्ट नहीं है, तो जिसमें इनर्ट पेरिफेक्ट नहीं है उसकी प्लस थ्री स्टेट स्टेबल है, और जिसमें इनर्ट पेरिफेक्ट है उसकी प्लस वन स्टेट स्टेबल है, वो थैलियम ही है और तो कोई है नहीं। ये आपको क्वेश्चन आता है BCl3 जो है वो डाइमर फॉर्म नहीं कर पाता लेकिन AlCl3 डाइमर फॉर्म कर लेता है, क्या वजह है उसकी? तो BCl3 की दिक्कत ये है कि इसका साइज छोटा है, तो ये जो तीन बोरोन यहाँ ऑलरेडी लगे हुए क्लोरीन लगी हुई है, ये चार बॉन्ड आराम से चौथी क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता क्योंकि ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं, ये जो ब्रिज वाले बॉन्ड है ये इसके कारण क्या होगा, ये काफी क्लोज आ जाएंगे, तो क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है इट इज नॉट एबल टू एकोमोडेट फोर बिग साइज क्लोरीन अराउंड इट। अभी जो पिक्चर है वो ब्रिज बॉन्डिंग है, ये बीच के जो सीएल लगे हुए हैं ये ब्रिज बॉन्ड है, इससे भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, तो बोरोन इस प्रकार से चार क्लोरीन को एकोमोडेट नहीं कर पाता, लेकिन एल्यूमिनियम आराम से चार क्लोरीन को अपने आसपास अरेंज कर लेता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो ये लंबे बॉन्ड बनते हैं, इससे ये क्लोरीन जो होंगी ना दूसरे से दूर रहेंगी, डिपर्शन कॉज नहीं होगी। देन वी हैव ए नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। मैंने आपको कराया हुआ ये बोरोन है, इट कैन एग्जिस्ट इन मैनी एलोटोपिक फॉर्म एंड हैज अनयूजुअल हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट्स ट्राई फ्लोराइड एक्ट एज ए लुईस एसिड BF3 टूवर्ड्स अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है आपको पता है। द एलिमेंट एग्जिबिट द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फोर, बोरोन चार से ऊपर बॉन्ड नहीं बना पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट बोरोन, राइट द रिएक्शन ऑफ BF3 विद अमोनिया, व्हाई डज द ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है आपकी रेंज में। ये था जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ग्रुप 13 और 14 मतलब पी ब्लॉक की। एक दो क्वेश्चनों में डिस्प्यूट रहा है बिकॉज पढ़ाते हुए नजर आती हैं चीजें कि ये आंसर मजेदार नहीं लग रहे हैं,
उन दो क्वेश्चनों को आप वेरीफाई करना, मैं भी वेरीफाई करूंगा। ये एग्जाम्पलर यहाँ पे खत्म होती है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से मैं लाइव आ जाऊंगा रात को, तब अपने आप डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अभी कभी ये देख लिया कोई एक छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहां भी आपको आपके क्वेश्चनों के जवाब दे दूंगा। तो एक बार सारे क्वेश्चन ध्यान से खुद पढ़ो, जल्दबाजी मत करना। इतना काफी आज के लिए। ओके बाय।